अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पुल्ड चिकन सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए चिकन ब्रेस्ट ली है 750 ग्राम, एक अदद बारीक कटी हुई प्याज, 4 जवे लहसुन के इनको भी बारीक काट लिया है, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा कप सेब का सिरका, 1 कप और 4 खाने के चम्मच बारबेक्यू सॉस, 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें, 4 अदद बर्गर बंस, लेटस हसबे ज़रूरत, 1.5 कप चीज़ और 1.5 कप पानी। एक पतीली में सब चीज़ें डाल देंगे, चिकन, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई सुरख मिर्चें, लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, सिरका, हॉट सॉस और बारबेक्यू सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसको तेज़ आंच पर एक बॉयल आने देंगे। चिकन में बॉयल आ गया है, अब इसको कवर करके हल्की आंच पर 25 से 30 मिनट तक पका लेंगे, या उस वक्त तक पकाएं कि आपको लगे कि चिकन बिल्कुल गल गई है। चिकन पक गई है, अब इसको निकाल लेंगे। दो कांटों से चिकन को श्रेड कर लेंगे। चिकन को श्रेड कर लिया है, अगर आपसे कांटे से नहीं हो रही तो आप सिंपल हाथों से इस तरह चिकन को श्रेड कर लें। यहाँ तेज़ आंच पर सॉस का पानी खुश्क कर लेंगे। सॉस गाढ़ी हो गई है, अब इसमें चिकन डालकर मिक्स कर देंगे। सॉस में चिकन अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, चिकन तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे। बंस को सेकने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, इसमें बंस को सेक लेंगे। बंस को गर्म कर लिया है, अब इन पर लेट्स लगा देंगे। इनके ऊपर चिकन लगा देंगे। चिकन डालने के बाद ऊपर चीज़ डाल देंगे। अब इस पर सैंडविच का दूसरा हिस्सा रख देंगे और सर्व करेंगे। पुल्ड चिकन सैंडविच को चिप्स और कोल्सरो के साथ सर्व कर दिया है, आपकी मर्ज़ी आप इसको किसके साथ सर्व करना चाहते हैं। कोल्सरो आपको बनाना सिखा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका पुल्ड चिकन सैंडविच कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।